नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं टुडेज स्टेटमेंट। लोकसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की भविष्यवाणियां हो रही हैं। चुनाव के दौरान जहां लोगों के अलग अलग विचार सुनने को मिल रहे थे, वहीं देश के तमाम चैनलों पर दिखाए गए एग्जिट पोलों के बाद अब अधिकांश लोग मानने लगे हैं कि मोदी सरकार रिपीट कर रही है। अब जब सभी लोग चुनाव को लेकर कुछ न कुछ अंदाज़ा लगा ही रहे हैं, तो ऐसे में भला देश के ज्योतिषाचार्य कैसे चुप बैठने वाले थे। ऐसे ही एक पुजारी हैं देहरादून के डॉक्टर सुशांत राज। गढ़ी कैंट शनि मंदिर के पुजारी ने ग्रहों की चाल देखकर और नक्षत्रों की दशा देखकर जो भविष्यवाणी की है, उसके मुताबिक भाजपा 280 सीटें लेकर आ रही है और मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो जरा आइए सुनते हैं कि इनका क्या कहना है। राहुल जी, में जो स्थितियां पड़ रही हैं वो वर्ष कुंडली में जो मुंथा शनि की बन रही है मकर राशि में, और उनकी जो शनि का जो भाव है वो नीच का है, और इस वर्ष के राजा भी जो हैं शनि जी हैं। तो इस परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो जो उनको सफलता मिलनी चाहिए वो उस तरह की पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होने की संभावना मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर पत्री देखी जाए तो उनका बुध जो है वो उच्च का है। बुध असल में बैलेंसर होता है और वो लोगों को जोड़ता है। बुध बुद्धि का कारक है। चंद्रमा मुंथेश भी देखा जाए तो नवम भाव में है, उच्च पे बैठा हुआ है, उसका भी निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। शनि इस वर्ष का राजा है जो उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ है। अगर ग्रहों की इस तरह से गति देखी जाए, मंगल स्वराशिगत है, इस तरह की शक्ति के पूर्ण रूप से ग्रहों की शक्तियों से ऊर्जावान होते हुए जब ये सब ग्रहों के एक मत होते हैं तो निश्चित तौर पे जो है सफलता मिलना पूर्णतः तय माना जाता है। तपस्या उन्होंने जाकर करी केदारनाथ में, ये क्या थी, ग्रहों की अवस्था इस तरह से बनी, उनकी बुद्धि में इस तरह के विचार आया कि वहाँ से पूर्णतः सफलता मिलेगी। क्योंकि जितने भी ग्रह हैं वो इस तरह की स्थितियाँ पैदा करते हैं कि जब विजयश्री होना होता है तो वो उनको निश्चित तौर पे जो है सुझाव देती है कि वो किस तरह का अच्छा अच्छा कार्य करें, क्या निर्णय लें, और उसी निर्णय के कारण ही जो है आज वो इस विजेता को जो है छूने जा रहे हैं। और गणना देखी जाए तो 280 प्लस का जो है योग बनता है इस गणित के हिसाब से, ज्योतिषीय नजरिए के हिसाब। अब ऐसे जानकारों की भविष्यवाणियां कितनी सही होती हैं और कितनी गलत, यह तो 23 मई को पता चल ही जाएगा। लेकिन यह भी सत्य है कि जो जिसका समर्थक है वो उसे जिताने की बात तो ज़रूर करेगा ही।